इंसान और पतंग यदि ज्यादा हवा में उड़ने लगे तो समझ लेना कि वह कटने वाला है। इंसान और पतंग यदि ज्यादा हवा में उड़ने लगे तो समझ लेना कि वह कटने वाला है, अर्थात कभी भी उड़ना नहीं चाहिए ज्यादा। आप अपने वास्तविकता में रहिए और कभी अपने जीवन में घमंड को ना लाइए, क्योंकि जिस दिन आप के भीतर घमंड आ जाता है कि आप कुछ भी कर लेंगे, आपके लिए ये बहुत ही आम है। आप बहुत ही श्रेष्ठ हैं और जो सामने वाला है वह श्रेष्ठ नहीं है। जिस दिन आपके भीतर घमंड आया और दूसरे को आप नीचा दिखाने का प्रयास किए, उस दिन आपका विकास अवरुद्ध होगा। साथियों, कभी भी आप दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास ना करें, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर यह नकारात्मक गुण आ गया उस दिन ही आपका विकास रुक जाएगा। इसलिए साथियों, कभी भी आप उड़ने का प्रयास न करें। आप अपने भीतर एक आत्मविश्वास का संचार उत्पन्न करें और उस आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ने का कोशिश करें, और उस आत्मविश्वास के साथ आप लोगों को कभी नीचा न दिखाएं, बल्कि लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो साथियों, कभी भी आप आवश्यकता से अधिक उड़ने की कोशिश ना करें, सदैव ही एक संतुलित मार्ग का प्रयोग करें, और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप यदि आगे बढ़ते हैं तो उसमें घमंड की भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक सद्भावना होनी चाहिए। भारत की हमारी विरासत है कि हम विश्व बंधुत्व और भाईचारे की भावना रखते हैं। तो साथियों, अवश्य ही आप अपने जीवन में भाईचारे की भावना रखेंगे, किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे। और इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।